गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? यस फाइन ना? यस वेरी गुड. ओके अगेन पवार मैम कमिंग फॉर हिंदी टीचिंग. आपने कल प्रश्न उत्तर पढ़ लिए, इसके पहले जो वीडियो देखा उसमें आपने प्रश्न उत्तर पढ़ लिए. आज उसे ही अपन रिपीट करेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए. तो सभी अपने नोटबुक, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर लेके बैठ जाइए. पेंसिल को पहले से ही फाइंड कर लीजिए और शॉर्पनर और इरेजर का ज़्यादा यूज अपने को नहीं करना है. तो सभी रेडी हो? स्टैंड अप, ऑल ऑफ यू स्टैंड अप, जॉइंट योर हैंड, क्लोज योर आईज, ओम उच्चारण. नाउ स्टार्ट. आपका वर्क नीट एंड क्लीन होना चाहिए नोटबुक में. नोटबुक आपकी कैसे सुंदर ऐसे दिखनी चाहिए, डर्टी डर्टी नहीं होनी चाहिए. ओके तो चलो करिए ओपन नोटबुक. सी डब्ल्यू एंड डेट राइट डाउन. सी डब्ल्यू एंड टुडेज डेट. प्रश्न प्र आधा या फर्स्ट में सीखोगे. अभी फर्स्ट में जाओगे ना, जोड़ शब्द कहलाते. क्या कहना था ये? जोड़ शब्द अध: और न. प्रश्न उत्तर. प्रश्न उत्तर हेडिंग मैम के साथ साथ लिखोगे आप. क्या है हमारे देश का नाम? इंग्लैंड, अमेरिका? नहीं ना. हाँ सीख गए ना आप लोग. क्या है हमारे देश का नाम? भारत. क्या है हमारे देश का नाम? भारत. रिपीट आफ्टर मी. मैम के बाद बोल दोगे भारत. भारत हमारे देश का नाम. भारत. भारत भा रत. भारत हमारा देश है. भारत क्या है हमारे देश का नाम? भारत. अब प्रश्न दो. प्रश्न दो. प्रश्न दो लिखो.
फलों का राजा, फलों का राजा, फलों का राजा कौन? कौन? फलों का राजा कौन कहलाता? प्रश्न चिन्ह और यहां लिखो उत्तर। कौन कहलाता है फलों का राजा? अंगूर। क्या पढ़ा है आपने? फलों का राजा कौन कहलाता है? आम। यस, वेरी गुड। आम। फलों का राजा आम। आम। फलों का राजा आम। नेक्स्ट, थ्री नंबर पर प्रश्न तीन लिखे। प्रश्न तीन, प्रश्न तीन, प्रश्न तीन। प्रश्न तीन, सब्जियों का राजा स जी आधा ब उसमें ज, सब्जियों का, सब्जियों का का लिखो का, का राजा, राजा सब्जियों का राजा कौन? कौन? कौन कहलाता? कहलाता है। उत्तर, सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? उत्तर, कौन कहलाता है सब्जियों का राजा? लौकी? नहीं। कौन? बैंगन। बैंगन के सर पे कैसा होता है? ताज जैसा होता है, क्राउन जैसा होता है ना? हाँ, सब्जियों का राजा कौन कहलाता है? बैंगन। बैंगन। प्रश्न चार लिखो। प्रश्न चार, प्रश्न चार, प्रश्न चार। आसमान, आसमान में रात को
चमकता हो चमकते हैं। आसमान में रात को कौन चमकते थे? कंप्लीट क्वेश्चन, प्रश्न कंप्लीट हो गया आपका, प्रश्न पूरा हो गया। अब उत्तर लिखो यार, कौन चमकता है रात में आसमान में? कौन चमकता है? सूरज? नहीं, रात में लिखा है मैम ने तो तारे, तारे, तारे। कौन चमकता है? तारे। उठा के ले जाती है और
उसके मुंह से बार बार गिरता है पर फिर भी वो पकड़ती है और चलती रहती है, फिर गिरा फिर उठाती है फिर चलती रहती है। मतलब चींटी मेहनती होती है, परिश्रमी होती है और टिड्डा आलसी है। टिड्डा कैसा है? आलसी है, बस उसको सोना ही अच्छा लगता है। और टिड्डी चींटी परिश्रमी होती है। फिर चींटी बारिश के दिन आते हैं तो ये लोग अपना खाना इकट्ठा करके रख लेते हैं कि ज़्यादा बारिश हुई तो बाहर निकलना नहीं होता, तो ये अपना खाना जो इकट्ठा करके रखते हैं उससे अपना पेट भर लेते हैं। वैसे और टिड्डा आलसी करता है, अरे अभी नहीं जाना अभी नहीं करना, ऐसे करके टिड्डा कुछ भी अपना खाना इकट्ठा नहीं करता और चींटी इकट्ठा करके रख लेते हैं। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश होती है, तेज वर्षा होती है और फिर टिड्डे को बड़ी जम के बड़ी जोर से उसको भूख लगती है। अरे भूख लगी, अरे भूख लगी, और खाना तो कुछ भी नहीं, अब मैं क्या खाऊँ क्या खाऊँ, उसको तेज भूख लगती है। फिर वो क्या करता है, अरे उसके फ्रेंड उसके मित्र रहते ना चींटी, उसको याद आती है और वो चींटी के पास खाना मांगने जाता है। तो चींटी बोलती है, अरे आलस छोड़ो, अभी आपने आलस नहीं करा होता, आपने खाना इकट्ठा करके रख लिया होता तो मेरे पास नहीं आना पड़ता खाना मांगने, खाना मांगने मेरे पास नहीं आना पड़ता। ऐसी चींटी उसको समझाती है, बोलती है, मतलब आलस क्या है, आलस के कारण सदा क्या अपने को पछताना पड़ता है, इसीलिए किसी ने भी आलस नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी, अभी तो एग्ज़ाम दूर है, अभी नहीं पढ़ते, अभी तो एग्ज़ाम दूर है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस दिन मैम ने जो पढ़ाया है, किसी भी मैम ने, वो उसी दिन आप अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, लिख लोगे, उसको याद कर लोगे, तो एग्ज़ाम के टाइम में आपको सब इतना सारा इकट्ठा नहीं याद करना पड़ेगा। रोज़ के रोज़ करोगे तो आपका बर्डन जो है, काम का वर्क है, वो लोड कम हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में भी अच्छे से कर पाओगे और आपको सभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। तो इसलिए आलसी नहीं करना है, अपना वर्क रोज के रोज करते रहना है। और ये आपको प्रश्न उत्तर क्या है, क्लास वर्क और होमवर्क। डू योर वर्क नाइसली और आपकी राइम्स कंप्लीट हो गई है, आपकी कहानी हो गई है, अभी राइम्स भी आपकी कंप्लीट हो गई, अपन उसे रिपीट कर रहे हैं बार बार। तो अभी कौन सी कहानी, कौन सी राइम सुनना है आपको, बिस्कुट का पेड़, कौन सी सुनना है, बिस्कुट का पेड़। तो सभी स्टैंड अप हो जाइए, कैसे बोलना है कविता, एक्शन करके, बैठे बैठे नहीं बोलना है, एक्शन करके बोलना है स्टैंड अप होके। रेडी, बिस्कुट का पेड़। प्यारी मेरी प्यारी अच्छी नानी, मेरी प्यारी अच्छी नानी, सुनाओ ऐसी एक कहानी, सुनाओ ऐसी एक कहानी, जिसमें हो बिस्किट का पेड़, जिसमें हो बिस्कुट का पेड़, हो चॉकलेट टॉफी का ढेर। पापा जब दफ्तर से आए, पापा जब दफ्तर से आए, खूब खिलौने सब मिलाए। मेरी प्यारी अच्छी नानी, मुझे सुनाओ एक कहानी। ये आपने पहले भी याद कर ली, इसे अपन फिर से रिपीट कर रहे हैं कि आप आगे आगे पढ़ते गए और पीछे का बोल तो नहीं गए, इसलिए इसको फिर से आपको बोलते रहना है एक्शन के साथ। बाय बाय, सी यू अगेन, हैव अ नाइस डे, डू योर वर्क नाइसली। Bye.